आज हम साथ हैं मिस्टर वीरेन सिंगल के, जो कि लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन से इनटेक्स ओपन है, कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी दे रही है, इस यूनिवर्सिटी में पंजाब या हरियाणा के स्टूडेंट्स को क्यों जाना चाहिए, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं वीरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वो हमारे साथ हैं आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और आपको गाइड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं कि ये जो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है, इसकी लोकेशन क्या है और इस लोकेशन पे स्टूडेंट्स को क्यों जाना चाहिए कैनेडा। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग अस हियर। थैंक्स टू द एंटायर स्पेक्ट्रम टीम। सो बहुत सही चीज़ बोली सर आपने कि पंजाब हरियाणा के बच्चे को क्यों जाना चाहिए। देखिए, ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी कि यू कैन गो फॉर डिप्लोमाज, अब एवरीवन नोज कि वहाँ पे रिसेशन जो हिट हुआ, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हु वर गोइंग फॉर डिप्लोमा दे वर फेसिंग द इशू। अब कहीं ना कहीं डिग्री लेके आपको एक अच्छी जॉब अगर मिलती है, ऑफकोर्स एवरीवन सेज कि पीआर हमें चाहिए, हमें वहाँ पे पहुँचना है। बट एक सिंपल चीज देखते हैं, जैसे रोटी चलेगी दैट इज जॉब, जैसे फैमिली चलेगी दैट इज अगेन जॉब। वो जॉब अगर आपको अच्छी मिलती है दैट इज ओनली थ्रू डिग्री। अब यूनिवर्सिटी को लोकेशन जैसे सर पूछ रहे थे, दिस इज इन सनबरी, एग्जैक्ट 320 किलोमीटर फ्रॉम टोरंटो। ओके ओके, दैट मींस ये कौन से प्रोविंस में बताया सर आपने? सर दिस इज इन ओंटारियो प्रोविंस। ओके ओके, तो इस लोकेशन पे हमारे पास स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है व्हाइल डूइंग द कोर्स? सर पार्ट टाइम जॉब्स ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं टोरंटो एंड कॉन्टैक्ट, अगर हम पूरे ओंटारियो की बात करते हैं स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाते हैं, आइदर ब्रैम्पटन, किचनर, डून, मे बी ओशावा या ब्रैम्पटन जैसे चले जाते हैं। बट वहाँ पे जो वेज रेट है वो थोड़ा सा कम है थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। यहाँ पे वेज रेट इज $25 बराबर, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारा दोस्त, शायद हमारे रिश्तेदार टोरंटो या ब्रैम्पटन में है तो शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली एक सोच ये होती है, एक लाइफ स्टाइल ये होता है कि 4 साल जो आपने डिग्री में देने हैं वो आप अपने पे, अपने स्किल पे वर्क करो। तो वो जो $25 है पर आवर वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता। अब हम लोग स्किल क्या करते हैं, हम लोग या तो टिम हॉर्टन्स में काम कर लेते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, या कोई एक डिफरेंट जॉब ढूंढते हैं एज उबर ड्राइवर या समथिंग। मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप उस चीज को एक्सपीरियंस करो, नो प्रॉब्लम, बट उस चीज को आप आदत मत बनाओ। इट शुड नॉट बी इजी मनी कि ठीक है हमने उबर चलाई है हम अर्न कर सकते हैं। आप वहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब भी कर सकते हो बट हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब टिम हॉर्टन्स में इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जाके ऑर्डर ही लो कि है सर व्हाट कैन व्हाट यू वांट एज अ ऑर्डर। आप वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस, एज अ एनालिस्ट, एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट आप ये जॉब्स भी कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप स्पेक्ट्रम के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपको ब्रॉडर एरिया देते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब लॉरेंशियन में डिग्रीज ही इतनी इंटरेस्टिंग डिग्रीज हैं, वो सुन के ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी डिग्रीज अगर हमें मिल जाती तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर बना पाते। सर फिर बताइए हमारे स्टूडेंट्स को अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, इसके इनटेक्स एंड इसकी ट्यूशन फीस वगैरह स्ट्रक्चर के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताइए। श्योर सर, तो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी जो है एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट फंडेड 1960 की, तो बहुत पुरानी है। ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी भी है ओंटारियो की, इसमें बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स है। अब अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास आर्ट्स है, इंडिया हो चाहे कनाडा हो सबको पता है कि बीए के बाद उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसमें स्किल नहीं इन्वॉल्व। तो हम आर्ट्स वाले बच्चे को लॉ दे सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक जाते ही उसको एक अच्छी नौकरी वो ले सके। अब काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मेडिकल के लिए होते हैं, अब उनको इंजीनियरिंग करनी होती है बट कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पूरे कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है, अब वो यहाँ पे कर सकते हैं। वी हैव माइनिंग, वी हैव मैकेनिकल, वी हैव कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गेम डिजाइन, एक ऐसे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज जो कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल इंजीनियरिंग फील्ड कैसे चलती है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकलिटी क्या इन्वॉल्व है आपको उसमें आपको पता चलता है।
अब कॉमर्स वाले बच्चे ठीक है, एवरीवन नोस कि 11th में आपने मैथ्स नहीं ली, आपको ऑप्शंस नहीं मिलती बिजनेस के लिए। हमारे पास ऑप्शन है, आप बिना मैथ्स के बीबीए कर सकते हो, उसमें भी हमने स्पेशलाइजेशन कर दी है। अब आप मार्केटिंग कर सकते हो, उसमें अकाउंट्स कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, एचआर कर सकते हैं। अब लास्ट फील्ड बचती है मेडिकल, उसके लिए वी हैव केमिस्ट्रियोलॉजी, वी हैव नर्सिंग। नर्सिंग हमारे पास बिना मैथ के है। अब आप स्टूडेंट्स, काफी बार ऐसा होता है कि सुपर मेडिकल नहीं है, सुपर मेडिकल ना होने के कारण बच्चे को कनाडा में नर्सिंग नहीं मिल सकती। हमने ना एक इंटरनल पाथवे बनाया है फॉर स्टूडेंट्स हु डोंट हैव मैथ्स। इट इज फर्स्ट ईयर इन बायोमेडिकल बायोलॉजी एंड 3 years इन नर्सिंग। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे को समझना बहुत जरूरी है कि कनाडा कैसे चलता है, वहां पे किस चीज की डिमांड है। उसके बाद वो फर्स्ट ईयर के एंड पे परसेंटेज मेंटेन करके वो नर्सिंग में जा सकते हैं। अब इसके फीस जैसे सर पूछ रहे थे, सर हमारी फीस स्टार्ट होती है $25,000 पर ईयर। ओके तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए, बिकॉज $25,000 इज लिटिल बिट ऑन हायर साइड, तो वो स्टूडेंट इसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल होगी कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वेरी राइट सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद अब स्टूडेंट्स को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। हाईएस्ट स्कॉलरशिप्स ऑफ कनाडा हमारी यूनिवर्सिटी देती है, वी कॉल इट मोस्ट जेनरस स्कॉलरशिप्स। वी गिव स्कॉलरशिप्स अप टू $60,000, 38.5 लाख आपके सेव हो सकते हैं। हाउ? नो सैट, नो इंटरव्यू, सिर्फ हमें एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ना चाहता है। उसका परसेंटेज क्राइटेरिया है 70% अबव, आपको $40,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, विच इज 24 लाख रुपीज। और अगर आपके 85% अबव है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू $60,000, अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 38.5 लाख। तो हाईएस्ट स्कॉलरशिप ऑफ कैनेडा आप ले सकते हो। अब इससे क्या हुआ, जिस भी बच्चे की फीस $25,000 थी, उसकी सबसे कम $10,000 रह जाएगी। $10,000, वेरी राइट। अगर आपके 70% मार्क्स है, यू नीड टू पे ओनली $15,000 पर ईयर। और अगर कहीं अगर आपके 85% मार्क्स है, यू नीड टू ओनली पे $10,000 पर ईयर टू लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, विच इज मच लेस देन पब्लिक कॉलेजेस ऑल्सो। So, sir, फिर ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या क्राइटेरियाज हैं, ये हमारे बच्चे जानना चाहेंगे आप? Sure, sir. But उससे पहले आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा। आप लोग डिप्लोमा के लिए जाते हैं, डिप्लोमा में फीस आपको भी पता है 18 से $19,000 दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो डिप्लोमा है, वो 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। उसकी फीस भी अगर आप एग्रीगेट काउंट करें तो 2 साल के डिप्लोमा की फीस 40,000 होगी अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे आपको 40,000 में 4 साल की डिग्री मिली, तो डिफरेंस इज ह्यूज, क्योंकि डिप्लोमा में उतना हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, इट इज IELTS में 6.5 नॉट लेस देन 60। हम PTB एक्सेप्ट करते हैं 60 स्कोर ओवरऑल, हम ड्यूलिंगो लेते हैं 110 स्कोर, वी टेक TOEFL एज वेल इंटरनेट बेस्ड 230। एंड एडमिशंस के लिए एज आई टोल्ड स्कॉलरशिप्स अगर आपको लेनी है, जस्ट वी नीड 70%, और हमारा January 2024 इनटेक इज ओपन। हम बात करें, अगर किसी ने अभी आइल्स नहीं कर रखा, वो आइल्स कर रहा है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर रहा है, या किसी का भी प्लस टू की मार्कशीट, तो ऐसे स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें? वेरी राइट सर, अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कंडीशनल ऑफर लेटर्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप्स हम सब बच्चों को बांट नहीं सकते हैं, हमने एक क्राइटेरिया सेट करा हुआ है, आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई। 12th का एग्जाम आपका हो चुका है, मार्कशीट आपके हाथ में है, सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं अगर आप अटक रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप आइल्स दे देंगे उसके बाद आपने फीस भरनी है, उससे पहले आप आपकी सीट रिजर्व कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारा नंबर साथ में डिस्प्ले हो रहा है, या फिर आप नीचे मैसेज करिए हमें, हम जल्दी से जल्दी आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।